बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैस शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैली। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 33% मार्क्स हैं वो क्या यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में उसका एडमिशन होगा, इसके हवाले से बात होगी। स्टूडेंट, इसके अलावा ये 33% मार्क्स वाले बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोटेड हैं, जो सिर्फ पेपर में अपेयर हुए थे लेकिन उन्होंने पेपर अटैम्प्ट अच्छा किया लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें 33% मार्क्स दे के पास कर दिया, तो ऐसे बच्चों के हवाले से बात करेंगे। दूसरा, स्पेशल एग्जाम किन किन के स्टूडेंट्स के होंगे, कैसे अप्लाई करना है, इसका तरीकेकार आज मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ का अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें FSC के बाद क्या कर सकते हैं, ICS के बाद क्या कर सकते हैं, FA के बाद क्या करना चाहिए, इसके अलावा मेडिकल के ऐसे बच्चे जो MBBS में दाखिला नहीं ले सके तो इनके बारे में क्या, आप किधर जाएं तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री, आपके पास डॉक्टर नाम आपके साथ लग जाएगा। तो स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे बच्चे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन्होंने किस तरीके कार से अपना जो है अपना स्पेशल एग्जाम में अपेयर होना, ये स्पेशल एग्जाम होंगे आपके नवंबर के अंदर, तो आपने इसके अंदर अपेयर इस तरह होना कि स्टूडेंट 15 दिन के अंदर अंदर अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना है कि हमने स्पेशल एग्जाम देना है। बेशक ऐसे बच्चे जो पेपर में अपेयर नहीं हो सके या फिर अपने रिजल्ट से जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो बच्चे इस स्पेशल एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। आपने रिटन फॉर्म में अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना है कि हम स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं तो आप स्पेशल एग्जाम दे सकेंगे। नवंबर के अंदर ये स्पेशल एग्जाम होगा। ये स्पेशल एग्जाम स्टूडेंट्स 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। वजह यह है कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट जो है इन्होंने अपना पेपर दिया था या पेपर में अपेयर नहीं हो सके तो इनके लिए तो ये स्पेशल एग्जाम होगा। 9th और 11th क्लास के लिए ये स्पेशल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा, ये अगले साल अपना पेपर देंगे। क्या स्पेशल एग्जाम में स्मार्ट सिलेबस होगा या नहीं, या फिर स्पेशल एग्जाम में स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस ही इंशाल्लाह आपका फॉलो किया जाएगा, और क्या इस स्पेशल एग्जाम के अंदर आपके 4 पेपर ही होने हैं, यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होने हैं या फिर कंपल्सरी के भी होने हैं। तो बताता चलूं कि स्टूडेंट इन स्पेशल एग्जाम के अंदर आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होने हैं, कंपल्सरी के पेपर नहीं होने। अगेन आपको पिछली पॉलिसी के मुताबिक ही 5% एक्स्ट्रा नंबर कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप लोगों को बेहतर यही है कि आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट ही हों क्योंकि इसके अंदर पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल 1090-1095 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके हैं। वजह यही थी कि ऐसे बच्चों ने सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट के पेपर दिए, सॉरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर दिए जिसमें पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट 9th और 1st ईयर ऐसे बच्चे जो पेपर में अपेयर नहीं हो सके वो अगले साल पेपर देंगे। अगले साल स्मार्ट सिलेबस में से पेपर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने अगले साल पेपर देने हैं। आपके लिए ये जो है पॉलिसी नहीं है कि आप स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। आपका रिजल्ट स्पेशल एग्ज़ाम का 33 जो है वो जनवरी के अंदर उम्मीद है कि आ जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो कि आप जानते हैं कि 33% से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में बहुत से सवाल पूछ रहे थे क्या हमारा एडमिशन होगा, तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है आपने कौन सी डिग्री आगे करनी है। फॉर एग्जांपल आप IT के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है। अगर आपके 50% मिला के नंबर आ रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट ऐसे बच्चे जो कि इसके अलावा डिग्रीज में जाना चाहते हैं, यानी कि साइकोलॉजी टाइप सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए पॉलिसी स्टूडेंट्स ये बनाई गई है कि उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। इस तरह ही मेडिकल एसोसिएशन जो है PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है इसके मुताबिक आप अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए फिर आप इसके अंदर जा सकेंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों के लिए दाखिला लेना एक हिसाब से मुश्किल भी है और एक हिसाब से आसान भी। अगर ऐसे बच्चे जिनके 40% मार्क्स भी नहीं बन रहे टोटल तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो अगले साल दोबारा ट्राई करें, पूरे नंबर अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टूडेंट आपका फ्यूचर आपके नंबरों पे डिपेंड करता है, आप किस डिग्री में जाना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप IT में जाना चाहते हैं, याद रखें स्टूडेंट IT के अंदर मैंने ऐसे सब स्टूडेंट्स भी देखे हैं, ऐसे बंदे भी देखे हैं, यकीन कर लें कि उन्होंने मैट्रिक भी क्लियर करना उनके लिए मुश्किल था। मेरा अपना ही एक स्टूडेंट है, यकीन कर लें फैशन डिज़ाइनर पाकिस्तान का यंगेस्ट फैशन डिज़ाइनर है, मैट्रिक करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था लेकिन उसने अपनी स्किल के ऊपर काफ़ी काम किया।
तो आईटी की सीरीज स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप स्किलफुल पर्सन हैं तो आप आईटी सीरीज में आईटी की जो आपकी फील्ड है इसमें अच्छे तरीके से जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलते रहें, मज़ीद आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस मिलते रहें जिसमें मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। आपके बच्चों ने बहुत से सवाल पूछे तो उसको जवाब दिया। अल्लाह हाफिज़।